Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the speaking part one and the topic is films or movies. इसके बारे में questions discuss किए हैं इस video में. First question है, do you like watching films? Yes, I love to watch movies. I like comedy movies, horror and action films. And I have numerous action and horror movies on my laptop. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो पता कि मूवीज मोस्टली सारे लोग ही पसंद करते हैं, अपनी चॉइस बता सकते कि मेरे को कौन सी हॉरर पसंद है, एक्शन पसंद है, लव स्टोरीज है या कुछ सैड मूवीज किसी को पसंद होती है, तो उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर में एड ऑन कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन, विच डू यू प्रेफर, फॉरन फिल्म और लोकल फिल्म? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक बोथ foreign as well as Indian movies. I watch local films whenever I want to watch a comedy movie. But for action movies, I watch foreign movies. क्योंकि foreign movies में जो action होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों को mostly जैसे कि young generation है उसको ज़्यादा action देखना पसंद है, तो वो foreign movies ही देखते हैं. Question number 3, how often do you go to cinema to watch a movie? I visit a cinema to watch movie once a month because nowadays the existence of the internet, all latest movies are available online. So most of the time I watch movies at home on the smart TV with my family. पहले था कि लोग हर एक नई मूवी के लिए सिनेमा जाते थे, पर आजकल क्या हो रहा है कि सारी नई मूवीज कुछ टाइम में ही इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है. तो स्मार्ट टीवीज है आजकल हर एक घर में, तो उसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज के साथ वो अपनी फैमिली के साथ मोस्टली लोग जो घर पे ही मूवीज देखना पसंद करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक द बेस्ट? एज आई सेड अर्लियर, आई लाइक एक्शन, हॉरर एंड कॉमेडी मूवीज, बट आई थिंक द कॉमेडी फिल्म्स आर बेस्ट बिकॉज अ पर्सन गेट रिलैक्सेशन व्हाइल वॉचिंग दीज काइंड ऑफ मूवीज. कि हमें बहुत शांति और रिलैक्स फील करता है इंसान अगर वो कॉमेडी मूवी देख रहा है. कि आजकल हर एक की जो लाइफ है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, उसका शेड्यूल इतना टाइट है कि वो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, तो अगर वो कुछ टाइम मिलता है तो अपनी फैमिली के साथ अगर मूवी देख रहा है तो उसके दोनों काम हो जाते हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है और उसको उसका माइंड भी रिलैक्स हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू पीपल इन योर कंट्री रिएक्ट टू द सिनेमा? Cinema play a vital role in our lives. Nowadays, the 3D cinemas are available in which increased the cinema's quality. उसकी एचडी जो हम देख रहे हैं क्वालिटी वो इंक्रीज हो चुकी है. And allure more people, especially children, to watch the movies in cinemas. आजकल जो 3D movies आ रही है बच्चों के लिए special, वो बच्चों को हम आकर्षित कर दिए कि वो सिनेमा घरों में जाके वो मूवीज का एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उनमें लगता है कि वो रियलिटी में उस जगह पे है जो एक्चुअल में नहीं होता, वो रियलिटी फील करवाता है जो 3D वर्जन होता है. सो इन माई कंट्री पीपल डू लव सिनेमा एंड फील कनेक्टेड टू इट. क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ मूवी डू यू ट्राई टू अवॉइड? वेल, आई एम नॉट too fond of sad movies, so I always try to avoid to watch sad movies because these kinds of films increase the tension instead to reduce it. क्योंकि इनकी वजह से हमारी टेंशन और स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है घटने की बजाय, कम होने की बजाय. क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉज द फर्स्ट मूवी दैट यू वॉच्ड? ऑनेस्टली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आई फॉरगेट द मूवीज नेम आफ्टर फ्यू ईयर्स. हमारे सभी के साथ होता है कि हमें करेक्टर्स याद रह जाते हैं, कई बार मूवी का नेम भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद. But I remember the first movie that I watched during the school time with other students. I remember this film story very well because it is one of my favorite films and I watch it every year at home. मैं हर एक साल देखती हूँ, इसलिए मेरे को उसकी स्टोरी याद है क्योंकि वो मेरी फेवरेट फिल्म में से एक है. It was an action movie. उनका अगर जो भी मूवी एक्शन है, कॉमेडी है, जिस टाइप की वो मूवी है वो आप बताएंगे यहाँ पर. उसका नेम मैंने खाली छोड़ रखा कि जो भी आपका फेवरेट जो मूवी देखी होगी पहले उसका नेम मैं यहाँ पे लिख देंगे. देयर वॉज अ बिग हॉल इन माई स्कूल वेयर द स्कूल अथॉरिटीज वर ऑर्गेनाइजिंग मूवीज शो एवरी ईयर फॉर स्टूडेंट्स.
सो एट दैट टाइम आई वॉच माई फर्स्ट मूवी. मेरे स्कूल में था कि एक बड़ा हॉल था जहाँ पे स्कूल की जो अथॉरिटी जैसे रूल था उस यहाँ उस स्कूल में कि हर एक साल वो बच्चों के लिए एक फिल्म ऑर्गेनाइज करते थे प्रोजेक्टर के थ्रू, कि एक हॉल में सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और उनको एक फिल्म दिखाई जाती थी. तो उस टाइम पे मैंने अपनी फर्स्ट मूवी देखी थी. अगर आपने किसी सिनेमा घर का एक्सपीरियंस करके फर्स्ट मूवी देखी है तो उसी के बारे में आप बोल सकते हो. वट इज योर ओपिनियन ऑन द पीपल हु ब्लाइंडली फॉलो देयर फेवरेट सुपरस्टार्स? एवरी ह्यूमन बींग हैज सम बैड एंड गुड क्वालिटीज. सो इफ पीपल फॉलो अदर्स गुड क्वालिटीज देन दे कैन गेट सक्सेस इन देयर लाइफ. कई बार रोल मॉडल होता है हम चूज कर लेते हैं, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटीज को हम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमको सक्सेस मिलेगी. बट देयर लाइफ कुड बी स्पॉइल्ड इफ दे फॉलो सम बैड हैबिट्स. अगर हम बुरी आदतें भी फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा या स्पॉइल हो सकती है. सो इन द केस ऑफ सुपर स्टार्स इफ पीपल ब्लाइंडली फॉलो देयर फेवरेट स्टार्स दे स्पॉइल देयर करियर एंड लाइफ. बट इट डजेंट मीन दैट दे डू नॉट फॉलो द सुपर स्टार. फॉलो देम बट ओनली द गुड क्वालिटीज. अगर फेवरेट स्टार के बारे में बात सुपर स्टार के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली उसमें कुछ अच्छी और बुरी क्वालिटीज दोनों होती है. अगर लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका जो करियर है या उनकी लाइफ है वो स्पॉइल होगी. पर इसका ये मीनिंग नहीं निकल सकता कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे. फॉलो करेंगे हम, बट उनकी जो गुड क्वालिटीज है सिर्फ उनको. सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. इफ यू लाइक द क्वेश्चन एंड आंसर प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.